तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं दिल्ली को जाना इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप

यहां पर सवाल आता है कि डी जूनियर इंजीनियर क्या है इसका काम क्या है इसकी सैलरी क्या है इसमें कौन अप्लाई कर सकता है तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे यानी हम डिटेल में जानेंगे डीडीए जूनियर इंजीनियर के बारे में सबसे पहले आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दिए सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाए फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे डी डी जेई के बारे में और जब तक आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं कनेक्ट हो रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट बुक पास आपकी बहुत करेगा इस एक पास के साथ आप घर बैठे 540 प्लस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको 41 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं और अभी चल रहा है और मेरा कूपन CMPA, CMPA, यूज़ करने पर आपको इंस्टेंट दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा पास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक पर क्लिक हो जाएगा यहां पर पूरी जानकारी नीचे आपको अप्लाई कूपन पर जाकर कूपन अप्लाई करना है सीएम पास सीएमपी ए डबल एस सीएम पास कूपन कोड डालते डिस्काउंट अप्लाई हो गया आपका लाइफ टाइम पास हो गया 540 ईयरली 360 और मंथली हो गया 270 का तो इस ऑफर का लाभ उठाइए घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब और जानते हैं डी डी क्या होता है सबसे पहले देखिए इसका जो रिक्रूटमेंट है वो कौन कराता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और पोस्ट होती है जूनियर इंजीनियर की ये कॉमन सी चीज है एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम एज सत्ताईस साल 18 टू 27 जो एज लिमिट है वो यहां पर मांगी जाती है 18 सत्ताईस साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास इंजीनियरिंग की रेलिवेंट ट्रेड अगर आप इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करें तो इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में तो मैकेनिकल में या फिर सिविल में आपके पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए यह चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो डिप्लोमा होल्डर्स के अलावा जो डिग्री होल्डर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यही है अठारह सत्ताईस साल एज लिमिट और आपके पास इंजीनियरिंग की रेलिवेंट ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए सिलेक्शन कैसे होगा? आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है उसका वेटेज आपका रहता है एट्टी फाइव परसेंट और इंटरव्यू का वेटेज आपका रहता है फिफ्टीन परसेंट तो ये आपका वेटेज रहता है अट्ठारह एट्टी फाइव और ट्वेंटी फिफ्टीन परसेंट तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है एग्जाम पैटर्न ये देखिए ऑफिशियल स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं तो आपका जो जूनियर इंजीनियर सिविल का देखिए क्या एग्जाम पैटर्न रहता है सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम होता है इसमें दो घंटे का पेपर होता है एक सौ क्वेश्चन आते हैं एक सौ बीस नंबर के और इसमें आपका देखिए रीजनिंग आता है क्वांट आता है जनरल अवेयरनेस आता है और इंग्लिश आता है ये आपके सब्जेक्ट है कौन कौन सब्जेक्ट है पहला आपका रीजनिंग सब्जेक्ट हो गया एक दूसरा आपका हो गया क्वांट सब्जेक्ट तीसरा आपका हो गया जीए हो गया तीसरा तीसरा आपका जीए हो गया, चौथा आपका हो गया दो घंटे का तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सैलरी की बात कर लेते सैलरी क्या मिलती है तो पे लेवल सिक्स में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आप देखेंगे तो पे लेवल सिक्स यानी क्या होता है पैंतीस हजार चार सौ बेसिक पे में इक्कीस सात सौ लेवल फोर में पच्चीस पांच सौ पे लेवल फाइव में उन्तीस दो सौ पे लेवल सिक्स में पैंतीस चार सौ इस तरह से बढ़ता रहता है फिर सेवन में जाओगे चवालीस नौ सौ हो जाएगी फिर सैंतालीस छह सौ इस तरह से आपकी पे लेवल के हिसाब से सैलरी बढ़ती है तो पैतीस हजार चार सौ बेसिक पे आपकी रहती है अलाउंसेस आपको अलग से मिलते हैं आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है डियरनेस अलाउंस हर छह महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज करती है महंगाई जैसे बढ़ जैसे बढ़ती जाती है वैसे आपका जो डीए है डियरनेस अलाउंस है वो भी बढ़ता रहता है वर्तमान में थर्टी परसेंट मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में

असिस्ट करना होता है इक्विपमेंट्स हाँ, की मेंटेनेंस करनी होती है डिजाइन का इंप्लीमेंटेशन करना होता है रिसर्च वाला पार्ट आपको देखना होता है प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग रिपोर्ट्स तैयार करना डाटा को एनालाइज करना ये सारे काम आपको और जो टेक्निकल काम है वो आपको करने होते हैं अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो लगातार सवाल आ रहा है क्या डिग्री होल्डर जो है अप्लाई कर सकते हैं द कैंडिडेट्स हु आर इन पोजेशन ऑफ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैन नॉट एप्लाई फॉर दोस्ट से तो यानी कि जो कैंडिडेट डिग्री होल्डर हैं जिनके पास बी टेक एम टेक जैसी डिग्री है वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वो डिग्री जो है वो समकक्ष नहीं है डिप्लोमा के इक्वेलेंट नहीं है तो यानी कि जो डिग्री होल्डर है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ये बहुत बड़ा चीज है इसको ध्यान में रखना है कि डिग्री होल्डर जो हैं, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ये जो सवाल था उम्मीद करते हैं ये कंफ्यूजन हमने यहाँ पर दूर कर दिया होगा तो यही थी जानकारी कि क्या होता है डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जेई यानी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट तो चलिए अब इस सेशन को हम यहाँ पर खत्म करेंगे आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए और डील ऑफ द मंथ तो चल रहा है आपको सिर्फ रुपी थ्री नाइनटी नाइन में टेस्ट बुक पास मिल रहा है और सीएम पास कूपन कोड लगाएंगे तो इंस्टेंट दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा यानी थ्री नाइनटी वन वो पास है वो आपको सिर्फ थ्री सिक्सटी मिल जाएगा तो इस ऑफर का लाभ उठाइए घर बैठे अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए तो चलिए इसी के साथ सेशन को यहां पर हम खत्म करते हैं आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेस्ट बुक के साथ बने रहिए प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एग्जाम